अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आपको पता है, मैं फिर आ गया था हुजूर से वापस होटल पे। तो अभी बज गए सुबह के 5 और मैं जा रहा हूँ अमृतसर। अब आप बोलोगे इतना जल्दी आप क्यों निकले। मैं इस वजह से निकला क्योंकि ये जो मेरी गाड़ी है, ये टैक्सी है, ये येलो प्लेट वाली गाड़ी है, इस पर जो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों का चक्कर रहता है, तो इसलिए मैं सुबह सवेरे निकला। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। ज़ैनब जी भी अभी सोई है, अभी चल रहे हैं अमृतसर की ओर। ये देखिए पहुंच गया मैं फगवारा, इसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा जालंधर और उसके बाद अमृतसर। अभी बज गए सुबह के 7:20, लगभग मैं 4 बजे निकल गया चंडीगढ़ से। वही ना, क्या इसकी 6-7 खतरनाक श्रीनगर गार्डन, मतलब कशीर रिजर्व गार्डन। तभी मुझे द्रास बस ले रात कुछ ना सा कहा है। करतारपुर 7 किलोमीटर इत पे करतारपुर ना तपरि ना ये अत क्या वन सू मंदिर पाकिस्तान मे करतारपुर गो ना सू पहुंच गए हम जालंधर। पहले अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की पिक विक लगा के लेजेंड नॉट नेवर डाई क्या लिखे था ना। ठंड बहुत है यहाँ, उससे ज्यादा है मेरे ख्याल से। हाँ वरना क्या, जम्मू में तो कम ठंड है। हाँ लेकिन अभी यहाँ से कम ठंड है मेरे ख्याल से। वहाँ अभी हम जाएंगे यहाँ, यहाँ पर कुछ खाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। वन आवी ते गाश वस बजे लगभग 7:40, वन आव थोड़ा बहुत गाश तूत क्या फर्क ये तर मे बसान तथा खुद ज्यादा तर ये तर सना सन अड़जन मज। अब यहाँ से अमृतसर 56 किलोमीटर खाली। In 900 meters, keep right onto Grand Trunk Road. In 1 kilometer, keep right onto Grand Trunk Road. ये मैं आ गया फॉरेस्ट ऑटोमोबाइल, यहीं पर गाड़ी का पेंट वेट करते हैं। मैंने यहीं पर गाड़ी का पेंट करवाया था। तो ये रखी मैंने अब गाड़ी इधर ही, अब मैं जाता हूँ खुद दिल्ली, तब तक ये पेंट का काम करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह, फिर वहाँ से आके गाड़ी ले जाएंगे। और ये देखो ज़ैनब जी, ज़ैनब जी सोइए आराम से। सब बनाते लागू जी ये करें। ज़ैनब जी एक्सपीरियंस कैसा रहा लोकल ट्रेन में? बहुत ही बुरा सच्ची। आपको जो बड़ा शौक था लोकल ट्रेन में जाने का? बहुत ही बुरा लगा, बस एक चीज अच्छा लगा, उस भैया का गाना। हाँ।
बाद पहुँच जाएंगे दिल्ली। बस हम लास्ट स्टेशन आएगा, पहुँच जाएंगे यहाँ ओल्ड दिल्ली कानन करने का पॉइंट फंसने बाजार ट्रेन में। अगर मजबूरी है मजबूरी क्या करो, मैं तो उस दोस्त भी उनके थी ऊपर से बेटी भी साथ थी बेचारी भी शुरू। चलो देखते हैं क्या होगा। पहुंच गया फाइनली दिल्ली में, तो आप देखेंगे आप क्या करेंगे, आप जैसे हमारी ट्रेन रेलवे स्टेशन से आ गए हम बाहर, तो फिर हम बैठ गए रिक्शा में। तो अब मैं आ गया पहले यहाँ लाल किला के पास, यहाँ पर मैंने स्लीपर बुक किया अजमेर शरीफ के लिए। तो आप पहले मैं जाता हूँ जामा मस्जिद, वहाँ पर कुछ खाना वाना खाता हूँ अच्छे से, तो उसके बाद शाम को 9:30 बजे निकलेगी यहाँ से गाड़ी अजमेर शरीफ के लिए। आज पूरा दिन मैंने ट्रैवल किया, सुबह की 4 बजे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होगा। ओ कड़ बच्चा, अच्छी दिल्ली हूँ रिक्शा, ओ कड़ बच्चा कितने को जाम। क्या हुआ असलम चिकन असनिश, अब हम यहाँ पर पहले चिकन खाएंगे तो उसके बाद देखते हैं। फिलहाल जैनब जी बुक की है, ये कुछ नहीं खा रही है। ये देखिए असलम चिकन का मेन्यू कार्ड, बटर चिकन फुल 640। जैनब जी ये मेनू पर जी, ये हो गया हमारा बटर चिकन असलम चिकन। तो मैं पहली बार खा रहा, मैं तो बहुत बार ही आ गया हूँ यहाँ, लेकिन ये पहली बार खा रहा हूँ। इसको नीचे नीचे रखो। इसको नहीं खाना है, पहले देखो देखेंगे अभी और मांगेगी, जरा और दो। ये कितनी जिद्दी है तुम्हारी तरह। जैनब जी, जैनब जी कुछ गए पापा कह रही है जैनब जी स्लीपर में। अब जाएंगे हम अजमेर, अजमेर जाएंगे। क्या लोग मैं कोई रिकॉर्ड में स्लीपर में। जैनब जी, जैनब जी क्या कर रही हो? तेरी कमीज है क्या की? गाड़ी ये क्या है? जैनब जी उड़ गई अपनी इन से, इन्हें तो खोलते शो
ये हम उतर गए स्लीपर से नीचे, अब बैठ गए ऑटो में, ये ले जाएगा दरगाह तक, तो वहीं पर होटल भी कर देंगे। लेकिन गाड़ी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो अब हम आ गए होटल में और मैंने भी कटिंग शेव वगैरह किया, ज़ैनब जी ने भी नहीं क्या भी होगी फ्रेश। तो इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, और स्लीपर में बहुत ज़्यादा अजाब हो गया, अब रेस्ट की ज़रूरत है। फिर बाद में दरगाह जाएंगे, तो फिर उसी टाइम नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। बोलो बाय बाय, बोलो बाय 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 बाय, सी यू।